नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम में हम लोग आज अपना जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आर्थिक समितियां। यानी आपने पेपर में देखा होगा कि कई ऐसे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कई सारे ऐसे बन जाते हैं जो कि विभिन्न समितियों और उसके अध्यक्ष या अध्यक्ष कौन थे और समिति का मुख्य कार्य क्या था या किस टॉपिक से रिलेटेड वो समिति बनी थी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सच्चर कमेटी है तो वो किस लिए बनी थी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समितियां हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। मुख्य रूप से आज हम लोग आर्थिक समितियों की चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए, इसमें जो सबसे पहला हम लोग देखते हैं वो है हमारा जो खुसरो समिति है। तो खुसरो समिति है वो है कृषि साख से संबंधित है, यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट। साख का मतलब यहाँ गुडविल नहीं है बल्कि क्रेडिट है, कि मतलब लोन देना, जैसे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स होते हैं उनको देना। तो इसको याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि जब भी किसी को ऐसे एग्रीकल्चर का लोन किसी किसान को मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और जो बैंक वाला होता है वो कहता है जाओ बेटा खुश रहो, तुम्हें लोन दे दिए एग्रीकल्चर का। इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, खुसरो समिति वो कृषि के लोन से संबंधित है या साख से संबंधित है। उसके बाद देखिए दांते वाला समिति, वो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, यानी बेरोजगारी देश में कितनी है उसके अनुमान के लिए इसको गठित किया गया था। कब किया गया था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जिसमें इम्पोर्टेंट होगी उसमें देख लेंगे। बहरहाल दांते वाला समिति किससे रिलेटेड है ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, मुख्य रूप से सिविल सर्विस की परीक्षाओं में तो ये जरूर कई बार पूछा गया है। तो देखिए दांते वाला समिति जो है वो बेरोजगारी अनुमान से, दांत से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि बेरोजगार जो लोग होते हैं वो देखे होंगे आप जो सरकार के जो कुछ एक पॉलिसीज होती हैं उन पे वो लोग एकदम दांत पीस के रह जाते हैं, काफ़ी विरोध करते हैं, पर उनकी बात चूंकि बेरोजगार हैं तो सुनी भी नहीं जाती, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो मुखर विरोध दर्ज करा सकें, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने दांत पीस के रह जाते हैं। इससे आप ये याद कर सकते हैं कि बेरोजगारी अनुमान जो है वो आपका दांते वाला समिति उससे रिलेटेड है। उसके बाद देखिए कि सरकारिया समिति, सरकारिया समिति बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर पूछी गई, ना केवल इकोनॉमी वाले सेक्शन में बल्कि पॉलिटी वाले सेक्शन में भी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सरकारिया समिति किससे रिलेटेड है, तो चूंकि ये सरकार मतलब इसके नाम में ही है, सरकारिया वैसे जो एक व्यक्ति का नाम था, परंतु यहाँ पे सरकार, ये देखिए जितने भी लोग हैं ये सभी एक व्यक्ति ही हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में उस समिति गठित हुई इसलिए इस समिति का नाम पड़ गया। जैसे महालनोबिस एक व्यक्ति थे, राजा चिलैया व्यक्ति थे, गोस्वामी सरकारिया, ऐसे सभी व्यक्ति थे। तो इन्हीं में देखिए जो सरकारिया व्यक्ति थे वो जो है, अब चूंकि यहाँ पे सरकार की बात हो रही है तो ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, मतलब केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ ऐसी होंगी, राज्य के पास किस में आपस में क्या क्लैशेज होते हैं, वो कैसे हम बेहतर कर सकें, समन्वय कैसे स्थापित कर सकें, इससे रिलेटेड है। तो केंद्र राज्य संबंध पर जो समिति बनती है वो है सरकारिया समिति, ठीक है। और चूंकि इसके नाम में ही सरकार है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति भी पेपर में पूछा जा चुका है। गोस्वामी समिति जो है वो रुग्ण उद्योगों से संबंधित है, यानी कि बीमार उद्योगों से रिलेटेड, सिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, कि सिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ये। और देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक ये हो सकती है कि आप मान लीजिए, ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक गाय का स्वामी है, यानी गाय पालने वाला है, उसने जो है अपना एक बड़ा सा प्लांट लगाया दूध डेयरी वगैरह का, तो उसमें उसने कई सारी गाय पाली लेकिन सभी वो बीमार हो गई, तो इसलिए जो है उसका वो उद्योग जो है वो चौपट हो गया। तो ऐसे आप कुछ एक याद कर सकते हैं कि गाय जो है वो गोस्वामी ने गाय पाली मगर वो रुग्ण हो गई, बीमार हो गई, तो उससे, तो ये इसकी एक ट्रिक आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए राजा चिलैया, राजा चिलैया समिति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी भी जा चुकी है, आप लोग सुने होंगे चिलैया समिति करके। तो चिलैया समिति जो है वो कर सुधार से रिलेटेड है, यानी टैक्स में रिफॉर्म से रिलेटेड। और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सरकारिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा है। तो राजा चिलैया जो समिति है वो है आपकी कर में सुधार से रिलेटेड, यानी टैक्स रिफॉर्म, इंग्लिश में कहेंगे तो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। और इसको याद करने की ट्रिक हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो चालू लोग होते हैं वो टैक्स बचाते हैं,
जो चालू लोग होते हैं वो टैक्स बचाते हैं, टैक्स का इवेजन करते हैं। इवेजन करना मतलब टैक्स बचाना या चोरी छिपे जो है उसी की तरह ना पे करना। तो वो जो है चालू लोग टैक्स बचाते हैं, तो इसलिए सरकार ने चलैया को बैठा दिया, मतलब जो चालू लोगों की मैया थी उसको बैठा दिया। ऐसे आप एक ये चालू की मैया ऐसे करके चलैया याद कर सकते हैं कि चालू लोगों की जो मैया थी उसको बैठा दिया कि अब तुम कर में सुधार करो ताकि कोई भी चालू आदमी कर चुरा ना सके। तो इस तरीके से आप इसको एक मतलब याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है महाल नोविस। महाल नोविस जो है वो आपको पता ही है कि ये मतलब इनका हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है। कई समय पे इन्होंने जैसे इन्होंने पंचवर्षीय योजना का भी मॉडल तैयार किया और एक बड़े अर्थशास्त्री थे। तो और ये जो आय विवरण का आकलन करना यानी राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है उसका आकलन करना, जीडीपी वगैरह का, तो ये सब जो है इन्हीं के बस की बात थी क्योंकि बहुत महान थे, तो मतलब महान अर्थशास्त्री थे। तो इस तरीके से हम इनको जो है याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का विवरण करना, जीडीपी का आकलन करना, तो ये सब जो है एक महान व्यक्ति की निशानी है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं ये करीब 1960 में ये कमेटी गठित हुई थी। उसके बाद देखिए अगला एक समिति आती है मालेगाम समिति। अब मालेगाम समिति पे क्या है कि ये दो बार में गठित हुई, व्यक्ति सेम ही थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मालेगाम, YH मालेगाम करके शायद। तो मालेगाम जो है वो 2010 में जब गठित की गई तो वो गठित की गई थी माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड, यानी सूक्ष्म ऋण से रिलेटेड वो समिति जो है वो गठित की गई थी, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड थी। लेकिन जब 2018 में इसे गठित किया गया तो ये बैड लोन्स इन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग में आपने देखा होगा कि बैड लोन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, NPA जो बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड ये कमेटी का गठन किया गया मालेगाम समिति का, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 2010 में जब ये माइक्रो फाइनेंस पे गठित की गई थी तो इसको कई बार जो है पेपर में पूछा गया और काफ़ी हद तक पूछा गया, तो संभावना है कि 2018 में जो गठित की गई थी मालेगाम समिति बैंकिंग के NPA से रिलेटेड यानी बैड लोन्स या बुरे ऋण से रिलेटेड, तो उस पर भी इसके पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब देखिए एक सुरेश तेंदुलकर समिति है। सुरेश तेंदुलकर समिति इम्पॉर्टेंट है, इसका ईयर याद कर लीजिए, तो 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति जो है 2005 में की गई थी। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये जो है गरीबी आकलन से संबंधित थी। तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी के आकलन से कि मतलब देश में कितनी गरीबी है उसका अनुमान लगाने से रिलेटेड थी, बहुत फेमस समिति थी। और इसको याद करने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि तेंदुलकर जो है हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर हैं, उनको जो है एकदम मतलब रन वन का इतने रन उन्होंने बनाए हैं कि उनको सब आइडिया का, उनको जो है कैलकुलेशन और इन सब का बहुत ज़्यादा आइडिया है, और इसीलिए वो भारत में गरीबी का भी आकलन कर सकते हैं क्योंकि मतलब देश में कितनी गरीबी है वो कैलकुलेशन करने में वो माहिर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रन्स भी कैलकुलेट किए हैं, इतने ज़्यादा रन है। बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है पर आपको अगर कोई दूसरी समझ में आए तो आप वाली बना सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन तो समझ लीजिए भगवान नरसिम्हा जो हैं उन्हीं के अवतार थे एक तरह से। जब 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा संकट में पड़ गई थी, आपको पता ही होगा कि उस समय हम लोगों ने LPG के सुधार किए थे, और उस समय पर क्या हुआ कि मतलब देश के पास जो है बिल्कुल भी ऋण देने लायक पैसा, मतलब अपनी सिक्योरिटी जो है, जब हमें IMF से ऋण चाहिए था तो IMF ने ये कहा कि पहले अपने सोने को गिरवी रखो, तो हम लोगों की साख यानी हम लोग की गुडविल इतनी ज़्यादा कम हो गई थी उस समय में, तो इस वजह से मतलब बहुत एक ख़राब स्थिति थी भारत में जो है। तो उस पर उस समय पे ये समझ लीजिए कि नरसिम्हन समिति ने जो है वो वित्तीय सुधार के लिए इन्होंने काफ़ी एक काम किया, और दूसरी बात कि बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म है वो भी हमें नरसिम्हन समिति में देखने को मिलते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म भी जो है वो नरसिम्हन समिति में देखने को मिलते हैं, और इन्होंने ही कहा था कि मतलब ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए और केवल सरकारी बैंक्स के ही भरोसे ना बैठा जाए। पहले क्या होता था कि केवल सरकारी बैंकों पर ही डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी लोगों की, इस कारण से लोगों को ऋण मुहैया हो ही नहीं पाता था, पर इन्होंने कहा कि नहीं प्राइवेट बैंक्स को भी आगे आना ज़रूरी है। और बेसिकली ये जो है वित्तीय सुधार यानी फाइनेंशियल सेक्टर के एक बड़े रिफॉर्म्स रिलेटेड थे,
जो कि 90s के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे देश में। तो एक तरह से आप भगवान नरसिम्हा के अवतार कह सकते हैं। इनके जो सुधार के इन्होंने पॉइंट्स जो दिए उस पर आधारित जो भारत की सिस्टम चला उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज तक जो है काफ़ी हद तक मतलब ग्रोथ दिखती है। उसके बाद देखिए गोईपोरिया समिति एक थे, तो गोईपोरिया समिति जो है वो दिखती है हमें बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड। आजकल आप देखते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज में एक एक चीज़ निश्चित हो गई है कि ये काम आपका इतने दिन में होगा, ये काम इतने दिन में होगा, अगर ये काम नहीं होता है तो आप ये कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ये गोईपोरिया समिति जो थी उन्होंने ही ये सजेशन दिया था कि बैंक की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो है हमें एक्शन भी लेना चाहिए अगर कोई अपनी सर्विस नहीं सही से प्रोवाइड करा रहा है। तो ये जो टाइम लिमिट देना ये सब ये जो है गोईपोरिया समिति ने ही किया था। तो बाकी ये गोईपोरिया समिति, इन सभी समितियों को वैसे हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, जैसे सरकारिया समिति आपके पॉलिटी में ही करेंगे, और नरसिम्हन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, महलनोविस, राजा चिलैया, ये सभी समितियों का अध्ययन हम लोग अपने इकोनॉमिक क्लासेस में कर रहे होंगे। फिलहाल देखिए कि उसके बाद आता है मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति में ये हथकरघा से रिलेटेड है। इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ये इमेजिन कर लीजिए कि जैसे मीराबाई जो थी, मीराबाई के हाथों में हमेशा जो है हाथ में वो रहता था क्या, सितार वितार टाइप में कुछ, जो भी आप देखे होंगे उनकी इमेज, तो सितार वितार टाइप में जो भी कुछ रहता था, वीड़ा या सितार, तो वैसे ही जो है आप इमेजिन कर लीजिए कि उनके हाथों में हथकरघा है और वो जो है चरखा चला रही हैं हाथ से। तो ऐसा आप कुछ इमेजिन कर लीजिए कि मीराबाई जो है वो हाथ से चरखा चला रही हैं। उसके बाद है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, या इसको समिति भी बोलते हैं, तो एक ही बात है, हिंदी में समिति, इंग्लिश में कमेटी, ठीक है। तो ये मल्होत्रा समिति जो है वो रिलेटेड है बीमा से, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जहां जहां पे मैं ऐसे टिक लगा दिया हूं वो तो मतलब आप भूलिएगा भी नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दाते वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मल्होत्रा समिति ये बीमा से रिलेटेड है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो सुधार क्या क्या करने चाहिए, पहले जैसे आपको पता था कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत में केवल यही दो एक बड़ी संस्थाएं थी और सरकारी सेक्टर की थी, जिसमें कि जिसके माध्यम से लोगों का जनरल या लाइफ इंश्योरेंस किया जाता था। पर जब ये आए मल्होत्रा समिति आई तो इन्होंने कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आना होगा। तो आज के समय में आप देखते हैं कि ICICI, HDFC और सभी मतलब एक्सिस बैंक सभी के जो है अब इंश्योरेंस के पॉलिसीज आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इन्हीं की वजह से संभव हुआ, मल्होत्रा समिति की वजह से। उसके बाद देखिए एक समिति है पारिक समिति। पारिक समिति जो है वो पेट्रोलियम प्राइसिंग से रिलेटेड है कि मतलब पेट्रोलियम का क्या प्राइस निश्चित किया जाए, इसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता था, डिमांड सप्लाई पे किया जाए या थोड़ा सा एडमिनिस्टर्ड रखा जाए। अभी इस समय क्या है ये हम लोग अपनी इकोनॉमिक क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा विषय केवल यही है कि हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा उसी को टारगेट करना। तो ये केवल आपका एग्जाम ओरिएंटेड एक थिंग है। तो इसमें अगर देखिए कि पारिक जो है वो पेट्रोलियम प्राइसिंग से रिलेटेड है, इसमें ये पी से ये शुरू होता है, पी से पारिक, पी से पेट्रोलियम और पी से प्राइसिंग, ये हो गया। इसके अतिरिक्त जो है दो कमेटी और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका सच्चर कमेटी ये आपने अक्सर सुना होगा, पॉलिटिकल डिबेट्स में लोग इसको चर्चा करते हैं। तो सच्चर समिति जो है वो दरअसल मुस्लिमों के आर्थिक राजनीतिक स्थितियों, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक स्थितियों, ये प्योरली एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कमेटी ही नहीं थी, इसमें केवल आर्थिक का डिस्कशन नहीं था बल्कि मुसलमानों की जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उन सभी पर इसमें जो है बहुत एक अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसको याद करने की विधि हम लोग ये कर सकते हैं कि सच्चर कमेटी जो है एकदम सच्ची रिपोर्ट है, मुसलमानों के बारे में सच्ची रिपोर्ट है, जो कि पहली बार ऐसी रिपोर्ट थी जिसने मुस्लिम्स का एक्चुअल कंडीशन जो है इसने बताई। तो ये एकदम सच्ची रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है, और इसीलिए अभी तक ये पिछले दशक में लगभग 15 साल हो गए इसको गठित हुए, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट पर जो है वो मतलब अभी तक कोर्ट भी किया जाता है और इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद देखिए तारापोर समिति अगेन आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
वो ये है कि तारापुर समिति जो है वो एक टर्म होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, यानी रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, ये इसका हिंदी में होता है, मैं लिख देता हूँ, रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। अब इसका मतलब क्या होता है ये अभी आपको इतने कम समय में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि ये परिवर्तनीयता ये एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हमें समझाने में समय लगेगा, तो ये इकोनॉमिक्स की क्लास में देखिएगा। फिलहाल आप इसको रट लीजिए कि तारापुर समिति वो रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिसमें जिसमें भी ये डबल टिक लगा है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल एकदम तैयार ही करके जाइएगा। दांतेवाला समिति, सरकारिया समिति, राजा चलैया, महालनोवे, सुरेश तेंदुलकर, नरसिम्हन, मल्होत्रा, सच्चर कमेटी, तारापुर समिति, ये सारी समितियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी आपने आज देख ली तो कई सारी हमारे ख्याल से 12-15 समितियां जो है वो आपकी आज तैयार हो गई, जो कि आमतौर पर बच्चों को याद करने में दिक्कत होती थी। वैसे तो हम लोग इनको अपने संबंधित विषय में समझेंगे ही, पर एग्ज़ाम के लिहाज से हम लोग आज इसको याद करने की कोशिश किए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही, जल्दी किसी अगले टॉपिक पे हम लोग अपना जीएस बूस्टर प्रोग्राम रोज का डोज लाएंगे। चलिए बहुत बहुत नमस्कार।